हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को अपने एक मेकओवर दिखाने जा रही हूँ इस टेबल का। ये जो कि ये कांच लगा हुआ है, तो मैं कोई वीडियोस वगैरह बनाती हूँ या किसी कोई भी चीज़ तो उसमें नीचे से दिखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा इस टेबल को हटाने से अच्छा है कुछ उसमें नया किया जाए। तो मैंने ये वॉल स्टिकर मंगाया था और इसको वॉल पर ना लगा के मैं टेबल पर लगाने जा रही हूँ। और सबसे पहले मैंने टेबल को अच्छे से क्लीन किया, फिर एक तरफ से थोड़ा सा निकाल के, ये सेल्फ एडहेसिव है, इसमें कुछ गम या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से एक कॉर्नर से लगाते जाइए और इस तरह से प्लेन कोई स्केल या कुछ इस तरह से लेकर उसको इस तरह से प्रेस करते रहिए ताकि उसमें एयर बबल ना आने पाए। तो इस तरह से करते जाएंगे और ये अपने आप ही, बस थोड़ा सा देखना रहेगा कि किनारे इधर उधर कहीं ज़्यादा कम ना हो जाए। तो इस तरह से करते जाएंगे, एयर बबल्स नहीं पड़ने चाहिए इसमें। बस इस तरह से मैंने इसको लगा दिया और मैं जो इसके किनारे हैं साइड से उसमें नहीं लगा रही हूँ, ये मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। और साइड्स पे लगाने पे क्या होगा, मुझे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कटिंग भी करनी पड़ेगी तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना ही अच्छा लग रहा है। तो ये जितना हो चुका मैं उसको कट कर दे रही हूँ किनारे से, और बाकी जो बचा हुआ रख लिया, कभी इन फ्यूचर कहीं भी मुझे ज़रूरत हुई लगाने की तो लगा दूंगी। तो ये टेबल देखिए मेरा कितना अच्छा लगने लगा है। और मुझे फोटोग्राफी करनी रहती है अपने, मैं कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हूँ हैंडमेड, तो उसके लिए भी मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ फ़ोटोज़, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं इस पर मुझ पूरे। एक तो फ़ोन मेरा अच्छा है, इससे फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं, बाकी इसमें जो वाइट सरफेस होने की वजह से थोड़ा पर्ल कलर है इसका, एकदम वाइट नहीं है, तो इससे फोटोग्राफी मेरी बहुत अच्छी हो जा रही है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप लोग भी बताइए ये कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।